लेटी एक विशाल रेड ड्रैगन है, लेकिन है थोड़ा डरपोक। वह दिल का साफ, सीधा और बहुत दयालु है। एक दिन उसके फादर ने सिबलिंग अंडे की देखभाल करने का काम उसे सौंपा था, लेकिन इस दौरान वह बीच में ही सो गया और इसका फायदा उठाकर कुछ हंटर्स ने वहां आकर उसका वह अंडा चुरा लिया। जब उसके फादर को यह बात पता चली तो वह उस पर काफी गुस्सा हुए और उसे डांटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। अब लेटी अकेले ही ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहा है जहां ड्रैगन के लिए बस हेठ ही हेठ है। उसे एक शेल्टर की तलाश है जहां निश्चिंत होकर वह अपना जीवन बिता सके। उसे एक किताब से तीन मिस्त्री के बारे में पता चलता है जो कि उसके लिए घर बना सकते हैं। वो डिसाइड करता है कि वह उन्हें ढूंढेगा और उसके लिए एक सुरक्षित घर बनाने का प्रस्ताव रखेगा, लेकिन इस दौरान उसे कुछ हंटर्स किडनैप कर लेते हैं। वास्तव में उसने खुद जाकर गार्ड से उस मिस्त्री के बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने मिलकर उसे ही कैद कर लिया। वो लोग उसके बॉडी का पार्ट पार्ट करके उसे बिक्री करने की बात करते हैं। इसे सुनकर बेचारा लेटी बहुत घबरा जाता है और रोते हुए कहता है कि वह यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया था, उसे बस एक घर चाहिए। उनमें से एक उसे कहता है कि हम तुम्हारे लिए घर बना देंगे, पर इसके बदले तुम्हें अपने बॉडी ऑर्गन्स हमें देने होंगे। लेडी इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। वह वहाँ से बस निकलने की तरकीब सोचता है और किसी तरह उन्हें बेवकूफ बनाकर वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है। वह बहुत उदास है। जंगलों से गुजरते हुए उसको दो ह्यूमन टाइप क्रिएचर मिलते हैं। वह उसके दुख को समझकर उसे उनके साथ शेल्टर देने की बात करते हैं, लेकिन जबकि वह उनके साथ उड़ नहीं पाता और नीचे धड़ाम से गिर जाता है, वह यह मौका हाथ से गवा देता है। वह उसे गोब्लिंस के पास जाने को कहते हैं जो इसमें उसकी मदद कर सकते हैं। लेटी उनकी सिफारिश लेकर गोब्लिंस के पास जाता है, पर यहाँ भी उसे निराशा ही मिलती है क्योंकि वह इतना बड़ा है कि गोब्लिंस के घरों में फिट नहीं हो पाएगा। वह हताश हो आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे एक वाटर क्रिएचर मिलता है। वह उसकी मदद करने को तैयार होता है, लेकिन लेटी को पानी में तैरना नहीं आता, वह डूब जाता है। वह क्रिएचर इसमें उसकी कुछ मदद नहीं कर पाता, पर वह उसे एक एल्फ डियारिया के बारे में बताता है जो कि एक आर्किटेक्ट के साथ साथ एक डीमन लॉर्ड भी है, शायद वो उसकी मदद कर सके। वह उसे थैंक्स कहता हुआ डियारिया को ढूंढने निकल जाता है। वह रास्ते में विभिन्न क्रिएचर से डियारिया के बारे में पूछते हुए आगे बढ़ता जाता है। आखिरकार वह उस जगह पहुँच ही जाता है जहाँ डियारिया का पता बताया गया था। वहाँ उसे कुछ इंसान मिलते हैं जो खुद को हीरोज बताते हैं। उनका काम नॉन ह्यूमन क्रिएचर से इंसान को बचाना है। वो लेटी को देखते ही उसे मार देने की धमकी देते हैं। लेटी रोते हुए उनसे अपनी जान की भीख मांगता है, पर वे रुकते नहीं और उस पर हमला करने लगते हैं। लेटी मदद की गुहार लगाने लगता है, तभी वहाँ डियारिया पहुँचता है और अपने मैजिक से उन हीरोज को भस्म करके लेटी की जान बचा लेता है। उसके इस कारनामे को देखकर लेटी बहुत डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वह डरते हुए उससे अपने घर बनाने के सपने पर बात करता है और उसे अपने बारे में भी बताता है। डियारिया उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। डियारिया उसे उसके सहूलियत के मुताबिक उसे टेलीपोर्ट करके एक घर दिखाने ले जाता है। वो उसके अंदर जाते हैं। लेटी को यह जगह काफी अच्छी लगती है, पर जैसे जैसे लेटी अपने कदम आगे बढ़ाता है तो वह पाता है कि यह घर तो पूरी तरह से बूबी ट्रैप से भरा पड़ा है। डियारिया उसे बताता है कि ये ट्रैप्स उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि यदि कोई हीरो उसे मारने के लिए यहाँ आएगा तो वह इस ट्रैप में फंसकर अपने आप ही निपट जाएगा। पर लेटी उन ट्रैप्स में खुद ही इतना फंस जाता है कि बिल्कुल तहखाने में पहुंच जाता है। वह बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, तभी हीरोज वहां आ जाते हैं, पर डियारिया उन्हें अपने मैजिक से फिर से भस्म कर देता है। जब लेटी किसी तरह वहां से बाहर निकलता है तो वह उसे अपने दिल की बात कहता है कि उसे यह घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके इस फैसले का सम्मान करते हुए डियारिया उसे दूसरा घर दिखाने के लिए ले जाता है। यह एक मरे हुए लोगों का मेंशन है। लेटी इस घर को देखकर काफी डर जाता है। डियारिया को लगता है कि हीरोज उसे यहां परेशान करने नहीं आएंगे क्योंकि यह एक हॉन्टेड हाउस है। यह सुनकर तो लेटी पहले ही ना बोल देता है, पर डियारिया उसे खींचते हुए घर दिखाने ले जाता है। वह उसे उस घर को दिखाने लगता है और कहता है कि वे आज रात यहीं बिताएंगे। वह लेटी को एक कमरा दे देता है। जब वह कमरे में अकेला होता है तभी वहाँ एक गोस्ट प्रकट होता है। उसे देखकर वह काफी डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। वह डियारिया को ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखता। अचानक उसके कमरे का दरवाजा गायब हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह आगे बढ़ता जाता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी गोस्ट उसे दिखाई देने लगते हैं। अचानक एक दरवाजे के आगे उसे खून ही खून दिखता है। वो उसके पीछे पड़े भूतों से बचने के लिए उसके अंदर घुसने का निश्चय करता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो सामने ही एक बड़े से मुंह वाला गोस्ट को देखकर वह बेहोश हो जाता है। पर जब वह जागता है तो पाता है कि वो सारे गोस्ट मिलकर उसका वेलकम कर रहे थे। डियारिया भी उनके साथ मिला हुआ था। फिर डियारिया लेटी को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है। इस घर के मालिक लॉर्ड सैमुअल थे, वो आदमी जिसने मरने से पहले यह मेंशन खरीदा था। बाकी गोस्ट उसके नौकर चाकर थे। उन सभी का व्यवहार लेटी के प्रति काफी दोस्ताना था। वो लेटी को उनके साथ रहने का ऑफर देते हैं।
बाकी गोस्ट हीरो से उनकी सुरक्षा भी करेंगे। पर लेटी उनके इस ऑफर को बड़ी विनम्रता के साथ यह कहते हुए मना कर देता है कि उसे ऐसी जगह चाहिए जहां वो एकांत में रिलैक्स होकर रह सके, और डेड पीपल के सामने वो ऐसे नहीं रह सकता। वो लोग उसकी मजबूरी को समझ जाते हैं और वो उसे सेफली ट्रेवल करने की विश करते हुए उसे विदा देते हैं। यह देखकर लेटी काफी खुश हो जाता है। इसके बाद डियारिया उसे एक गुफा में ले जाता है। यह जगह आइटम रेंट लेने और खरीदने की एक दुकान थी। डियारिया ने वहां से कुछ सामान रेंट में लिए थे, वो उसे ही वापस लौटाने आया है। वहां लेटी को तीन अजीब से दिखने वाले ओल्ड सिस्टर मिलते हैं। वो उसे वहां की और भी कई मजेदार चीजें दिखाते हैं। उनमें से कुछ सामानों से लेटी काफी डर जाता है तो कुछ से काफी एम्बैरेस हो जाता है, लेकिन वहां की एक फायरप्लेस उसे काफी अच्छी लगती है। वो उसे खरीदना चाहता है पर डियारिया उसे बताता है कि यह बहुत ही भारी है और वह जिस भी घर को खरीदेगा शायद वह उसके भार को न सह सके। हालांकि अगर वह मजबूत फाउंडेशन देकर खुद एक घर बनाए तो यह मुमकिन है। लेटी को यह आइडिया अच्छा लगता है और वह खुद का घर बनाने का निश्चय लेता है। डियारिया उसे एक खाली जगह पर ले जाता है जहां उसका घर बनेगा। वह उसे घर का प्लान दिखाता है। लेटी को यह प्लान अच्छा लगता है और वह इसे अप्रूव कर देता है। डियारिया अपने कुछ बिल्डर दोस्तों को बुलाकर घर का काम शुरू कर देता है। घर पूरा हो जाता है पर लेटी के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन डियारिया के पास इसके लिए भी एक समाधान है। वह कहता है कि उसे अटैक करने के लिए जो भी हीरोज यहाँ आएंगे उन्हें लूट कर और उनके हथियारों को बेच कर वो पैसे कमा सकता है। इसके लिए वह उसे सिक्योरिटी टीम भी देता है। सारा काम निपटा लेने के बाद डियारिया उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। लेटी शांति और आराम से वहाँ रहने लगता है, लेकिन उसी रात उसे लूटने के लिए कुछ हीरोज वहाँ पर हमला कर देते हैं। लेकिन सिक्योरिटी टीम अपना काम आसानी से पूरा कर देती है और लेटी को फ्लेम ड्रैगन लॉर्ड बताकर उन्हें वहाँ से डराकर भगा देते हैं। हीरोज के द्वारा फ्लेम ड्रैगन लॉर्ड की चर्चा पूरे शहर में फैल जाती है और यह अफवाह फैलने लगती है कि वह बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली है। इसी वजह से अगले दिन उसके पास दो छोटे छोटे इंसान जैसे दिखने वाले क्रिएचर आते हैं। वे उसके साथ वहाँ रहना चाहते हैं क्योंकि वो इतने छोटे और कमजोर है कि कोई भी उन्हें आसानी से अपना शिकार बना सकता है, पर अगर वो उनके साथ होगा तो वे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे क्योंकि आखिरकार वो फ्लेम ड्रैगन लॉर्ड है। यह सुनकर लेटी उन्हें मना नहीं कर पाता और कुछ दिन के लिए उन्हें वहाँ ठहरने की इजाजत दे देता है। इसके बाद तो एक एक करके कई कमजोर और बेसहारा जीव उसके पास आने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ उनका जमघट बन जाता है। वे सुबह शाम लेटी का गुणगान करने लगते हैं, लेकिन लेटी इससे तंग आ चुका था। उसने शांति के साथ रहने के लिए यह घर बनवाया था, पर अब यह घर ऐसा नहीं रहा। वो चुपचाप से एक दिन घर छोड़कर चला जाता है और अपने लिए फिर से एक शांति से भरा घर खोजने की कोशिश करता है। डियारिया उसके पास आता है और उसकी परेशानी को समझकर उसके लिए फिर से घर ढूंढने के काम में लग जाता है। वो लेटी को ले प्लेन्स ऑफ एल्ब में ले जाता है जो कि बर्फ से भरी हुई बहुत ही ठंडी जगह है। वो लेटी को यहाँ अपना घर बनाने को कहता है। वो उसे इग्लू बनाने का तरीका बताता है और यहाँ उसे हीरो से भी खतरा नहीं होगा। लेटी को यह प्लान अच्छा लगता है और वह अपने लिए घर बनाने लगता है। डियारिया उसे यहाँ तीन दिन तक अकेले सर्वाइव करने का टास्क देकर वापस चला जाता है। लेटी को भूख लगने लगती है जिसके कारण वो हंटिंग करने के लिए चला जाता है। वो रेंडियर से रैबिट, रैबिट से हस्की, सभी का शिकार करने के लिए दौड़ पड़ता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वो हताश होकर घर वापस जाने लगता है, पर अचानक भयानक बर्फ का तूफान आता है और वह घर का रास्ता खो देता है। वो बर्फ से ढका जा रहा होता है कि तभी एक यति उसे पकड़कर सामने बने इग्लू में जाने को कहता है। जब वो वहाँ जाता है तो पाता है कि अंदर डियारिया उसके लिए कुकिंग कर रहा था। कुछ लोग दारू का मजा ले रहे थे और वहाँ हीरोज भी थे जो कि भाप का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक धूप निकलने लगती है। वह खुद को बर्फ से ढका हुआ पाता है। वहाँ से निकलते हुए उसे महसूस होता है कि वह तो केवल एक सपना देख रहा था। तभी वहाँ उसे अपने पास एक अंडा दिखाई देता है। वह उसे खाने की सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आता है वह सिबलिंग अंडा जो उसके पास से चोरी हो गई थी। भूखा होने के बावजूद वह उसे खाने का ख्याल छोड़ देता है और उसे प्रोटेक्ट करने की सोचता है। उसके डिसाइड करते करते ही अचानक वह देखता है कि जिस बर्फ पर वह खड़ा था वह पिघल कर पानी में तैर रहा है। वह घबराते हुए अंडे को पकड़कर पूरा दिन उसी में बिता देता है। अगले दिन अचानक एक व्हेल उसके सामने आ जाती है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे निगल लेती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने सामने एक मछली मानव जैसे आकृति वाले क्रिएचर को पाता है। उसका नाम डेविड जोन्स है। वह यहाँ व्हेल के अंदर ही रहता है। लेटिया सुनकर चौंक जाता है कि वह एक व्हेल के अंदर है। वह उसका स्वागत करता है और उसे यहाँ बने अपने कमरों को दिखाता है। इसके बाद वह जलपान करके नहा धोकर रिलैक्स हो जाता है। डेविड उसे यहाँ रहने का प्रस्ताव देता है, पर लेटी यहाँ उस पर बोझ नहीं बनना चाहता। वैसे भी उसे यहाँ की स्मेल पसंद नहीं आती। वो उसे बाहर जाने का रास्ता पूछता है। डेविड उसे व्हेल का ब्लोहोल दिखाता है। वह मिर्च की धूल से कुछ ऐसी तरकीब आजमाता है कि व्हेल को जोर से छींक आती है और लेटी वहाँ से बाहर निकलने में सफल हो जाता है, पर फिर से वह बहते हुए आइस के टुकड़े पर पहुँच जाता है। वह अभी भी भूखा है। तभी उसे वहाँ एक सील दिखती है। वह उसे खाने की सोचता है, पर अत्यधिक दयालु होने की वजह से वो उस पर हमला नहीं कर पाता और उसे मारने का ख्याल छोड़ देता है। तभी वह सील डियारिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। डियारिया उसे कहता है कि वह इसलिए सील बना था क्योंकि वह देखना चाहता था कि वह इतना साहसी बना या नहीं कि किसी जानवर को मारकर अपना पेट भर सके। फिर डियारिया उसे अपने इग्लू में टेलीपोर्ट कर देता है। डियारिया वहाँ उस अंडे को पकाने ही वाला होता है कि लेटी
फिर झट से उसे रोक लेता है और कहता है कि वो इस अंडे को उसके माता पिता को सौंपेगा। लेकिन तभी वो अंडा हैच होने लगता है और वहाँ से एक बेबी आइस ईगल निकलता है, जो पैदा होते ही लेटी को पापा कहने लगती है। इसके बाद टियारिया लेटी को उस कोल्ड प्लेस से निकाल कर एक हरी भरी जगह ले जाता है, जहाँ शायद लेटी अपना निर्वाह अच्छी तरह से कर सके। वो लेटी को एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझाता है, लेकिन लेटी उसका फादर बनना नहीं चाहता। उसे लगता है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि उसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। पर फिर भी जब तक ईगल बेबी के लिए फॉस्टर पेरेंट नहीं मिल जाते, तब तक वह उसकी देखरेख करने का निश्चय करता है। डियारिया उसे ऐसी जगह ले जाता है जहाँ डिफरेंट नॉन ह्यूमन क्रिएचर एक साथ मिलजुल कर एक समाज में रहते हैं। वे वहाँ बेबी ईगल के लिए फॉस्टर पेरेंट ढूंढने आए हैं। वे कई जगह जाते हैं, पर लेटी को कहीं भी उसके बच्चे के लिए सही एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। डियारिया उसे यही सलाह देता है कि लेटी उस बच्चे को अडॉप्ट कर ले, पर लेटी इस पर हिचकिचाता है। फिर वे एक बगबियर के पास जाते हैं, जिसके पहले से ही दो बच्चे हैं। वो बगबियर अपने बच्चे को लेटी की देखरेख में छोड़कर कुछ समय के लिए डियारिया के साथ अकेले में बात करने के लिए चला जाता है। तभी एक कैटापल्ट वहाँ आता है और लेटी को धमकाते हुए उन बच्चों को उसे देने को कहता है, ताकि वो बाजार में उन्हें बेच सके। पर लेटी उन्हें डिफेंड करता है, वह डरते हुए भी उससे लड़ने को तैयार होता है। वह दूसरे ड्रैगन की तरह फायर ब्रेथ अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि इससे उसकी जीभ जल जाती है। तभी वहाँ डियारिया पहुँचता है और उस कैटापल्ट को डराते हुए कहता है कि तुम जिससे उलझना चाह रहे हो वह वही फ्लेम ड्रैगन लॉर्ड है जिसकी चर्चा पूरे शहर में फैली हुई है। यह सुनकर वो कैटापल्ट डरकर वहाँ से भाग जाता है। डियारिया लेटी को उसके साहसपूर्ण कार्य के लिए शाबाशी देता है, डरते हुए भी उसने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपना साहस दिखाया। ऐसी अनिश्चित परिस्थिति और खतरनाक वातावरण को देखते हुए आखिरकार लेटी डिसाइड करता है कि वह उस ईगल बेबी को अब खुद ही पालेगा। वह उसका नाम रखता है पेप। कुछ दिनों बाद लेटी रियलाइज करता है कि पेप की देखभाल करते हुए उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। इसके समाधान के लिए उसे काम दिलाने हेतु डियारिया उसे पेकुनिया ट्रेड मार्केट ले जाता है। वे जॉब ढूंढने के लिए एक ओमन के पास जाते हैं। पेप अपनी भाषा में ओमन को लेटी की सिचुएशन के बारे में बताता है। उसी के प्रजाति के होने के कारण वह उसकी भाषा को समझ भी लेता है और लेटी को उसका पहला जॉब ऑफर करता है, पर इसके लिए उसे काफी कम पैसे मिलते हैं। वो इसे संतुष्ट नहीं है। फिर वो उसे दूसरी जॉब देते हैं, होटल रिसेप्शनिस्ट की, लेकिन वहाँ भी वो टिक नहीं पाता क्योंकि लोग उसे देखते ही डरकर भाग जाते थे। इसके बाद डियारिया उसके लिए कस्टम जॉब्स ढूंढने की बात करता है, जहाँ का काम एक ड्रैगन के लिए सूटेबल हो। उसे एक फेक जादूगर अपने झूठे मैजिक के शो के लिए हायर करता है, लेकिन वहाँ भी लेटी असफल होने ही वाला होता है कि पिप उसकी मदद करता है, जिसकी वजह से उसका काम पूरा हो जाता है और उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उसके बाद उसे एक मैजिक स्पेल के टेस्ट सब्जेक्ट का काम मिलता है और यहाँ भी वो डियारिया की मदद से उसे पूरा कर लेता है और अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। इसके बाद डियारिया की अनुपस्थिति में उसे एक और काम मिलता है, लेकिन यह एक ट्रैप होता है जिसमें वह फंस जाता है। वे लोग उसे बंदी बनाकर एक कैद खाने में डाल देते हैं। लेटी को समझ में नहीं आता कि अब क्या करे, उसे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की परवाह होने लगती है। तभी उसे एक प्लान सूझता है। वह पिप को वहाँ से बाहर निकाल कर मदद ढूंढ लाने को कहता है, लेकिन तभी एक एरोबस जिसका नाम स्टीव है वह उसे रोकता है और उसके कैद खाने का दरवाजा खोल देता है। वह उसे वहाँ से बाहर निकालता है और अपने बाकी के केज के दोस्तों से मिलाता है। वो उसे बताता है कि यह जगह इतनी भी बुरी नहीं है, वे यहाँ गार्ड्स के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उन्हें वहाँ बस कुछ काम करना होता है जिसके उन्हें पैसे भी मिलते हैं और वो यहाँ जो मन चाहे वो कर सकते हैं। पहले तो लेटी यहाँ रहने में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगता है कि यह जगह उसके लिए बेस्ट प्लेस है। वास्तव में यह एक फाइट एरिना है जहाँ वो लोगों के मनोरंजन के लिए झूठ मूठ की लड़ाई करते हैं, जिसके बदले में उन्हें अच्छी खासी सुख सुविधाएं मिलती है। लेटी भी इनमें से एक फाइट में शामिल होता है और अपना काम खत्म करके वहाँ आराम से रहने लगता है। लेकिन एक दिन उन सभी को यह पता चलता है कि इस जगह के ओनर की मृत्यु हो गई है और नया मालिक इस एरिना को बंद करना चाहता है और उसने यहाँ रहने वाले सभी क्रिएचर को मार डालने का हुक्म दे दिया है। इसे सुनकर वे सभी अब यहाँ से भाग निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। अपनी योजना के मुताबिक वे हमलावरों को गुमराह कर उन्हें अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। वे इसमें कुछ हद तक सफल हो भी जाते हैं, लेकिन अंत में वे सभी हमलावरों द्वारा घेर लिए जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें बचाने डियारिया वहाँ पहुँचता है और अपने मैजिक से उन सभी हमलावरों का काम तमाम कर देता है और वे वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर निकल कर लेटी अपने सारे नए दोस्तों को विदा करते हुए फिर से अपनी जर्नी डियारिया के साथ कंटिन्यू करता है। रास्ते में उन्हें कुछ डाकू मिलते हैं जो उन्हें मारने की धमकी देते हैं, पर डियारिया उन सभी को अपनी मैजिक फायर से भस्म कर देता है। लेटी डियारिया के ऐसे खतरनाक कारनामों से काफी डर जाता है। उसके बाद जब वे उन डाकुओं के कैरेज को देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है। वे लोग उसे किडनैप करके ले जा रहे थे। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह उन दोनों को देख काफी डर जाती है। उसे लगता है कि इन दोनों ने मिलकर ही उसे किडनैप किया है, लेकिन डियारिया उसे शांत कराता है और उसे पूरी बात बताता है। इसे सुनने के बाद वह शांत हो जाती है और अपना परिचय देती है। वो लड़की सिटी योस की प्रिंसेस है जो कि अपना घर छोड़कर
पर भागी है। अपने भागने का कारण बताते हुए वह कहती है कि उसके फादर ने बिना उसकी परमिशन के उसका कपकेक खा लिया था और वह इससे नाराज है। वह उन्हें इसका सबक सिखाना चाहती है, इसीलिए वह अपने नए घर की तलाश में है। डियारिया झट से अपने नए क्लाइंट की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वह उसे एक लोकेशन में ले जाता है जो कि एक केव की शेप में है। डियारिया को लगता है कि यह जगह उसके लिए एकदम सही है, लेकिन प्रिंसेस अपने टेस्ट को लेकर काफी सतर्क है। वह जगह उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाती। वह अपने लिए एक ऐसा घर चाहती है जहाँ नहाने के लिए खासी अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन डियारिया की दिखाई गई कोई भी जगह उसके इस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाती। तभी उनमें से एक जगह को देखते हुए प्रिंसेस डियारिया को कंप्लेन कर रही होती है कि उसने उसे एक भी ढंग की जगह नहीं दिखाई। तभी एक चट्टान से फिसलकर वह नीचे तालाब की ओर गिरने लगती है। उसे बचाने के लिए लेडी भी उसमें कूद जाता है। दोनों ही डूबने लगते हैं, लेकिन डियारिया उन्हें अपने मैजिक से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद लेडी प्रिंसेस के नहाने के लिए पोट में गर्म पानी तैयार करता है, पर उसे ऐसा लगता है कि लेटी उसे खाने की तैयारी कर रहा है। नहाते हुए वह थोड़ी भावुक हो जाती है और लेटी से कहती है कि वह खुद को बहुत खुशनसीब मानती है कि उसे वे दोनों मिले। वह उन्हें उसकी मदद करने के लिए शुक्रगुजार है, लेकिन यह स्वीट मोमेंट तभी अचानक टूट जाता है जब हीरोस वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि लेटी ने प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है। लेटी उन्हें सारी बात बताना चाहता है, पर वे उसे सुनने को तैयार नहीं है। वे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर डियारिया बीच में आ जाता है और उन हीरोज को उनके ठिकाने लगा देता है। उसके बाद वे तीनों लेटी द्वारा बनाए गए मील को एंजॉय करने लगते हैं और वह रात वो वहीं बिताते हैं। अगली सुबह डियारिया लेटी के सामने कई सारे घर की जानकारी रख देता है और उसे उनमें से एक जो भी उसे अच्छा लगे चुनने को कहता है। लेटी को इतने में से किसी एक घर को चुनने में काफी परेशानी होने लगती है। अचानक उनके सामने एक जिन प्रकट होता है जो कि टैक्स सर्विस ऑफिस से आया हुआ है। वो लेटी को उसके टैक्स रिपोर्ट की जानकारी देता है। लेटी को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। फिर जिन उसे टैक्स ऑफिस लेकर जाता है और उसके टैक्स के कागजात बनाने में उसकी मदद करता है, लेकिन लेटी के पास ना कोई घर है ना इनकम का कोई जरिया। तभी डियारिया उसे याद दिलाता है कि उसके पास एक घर है जो उसने बनाया था और दूसरों के लिए छोड़ रखा है। इसे इंक्लूड करते हुए वह जिन टैक्स रिपोर्ट बनाने लगता है, पर लेटी के पास फूटी कौड़ी नहीं है। तभी वह जिन उसे चाइल्ड ग्रांट सपोर्ट स्कीम को भरने की बात कहता है ताकि उसे सरकार द्वारा पिप के पालन पोषण हेतु कुछ रकम मिल सके। इसे सुनकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद उसका टैक्स बिल जनरेट होता है जो कि अब से उसे भरना है। यह अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि बेचारा लेटी चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। इसी बीच पिप उनमें से एक घर को लेटी के बिहाफ में चुनता है जो कि एक डंजन है। यह रॉयल कैपिटल के ही सीवर लाइन में स्थित था। इसे सुनकर प्रिंसेस चौंक जाती है क्योंकि उसे वापस महल नहीं जाना है। वास्तव में यह जगह हीरोज को नॉन ह्यूमंस के साथ ट्रेन करने के लिए बनाई गई थी। वैसे तो लेटी को यह जगह भी पसंद नहीं आती, पर फिर भी वे उस डंजन को एक्सप्लोर करने लगते हैं। डंजन टूर करते हुए अचानक लेटी और प्रिंसेस डियारिया से अलग हो जाते हैं और एक ऐसे रूम में फंस जाते हैं जिसकी दीवार अपने आप शिफ्ट होती रहती है। तभी वहाँ पिप को एक खुफिया रास्ता दिखता है और वे वहाँ से निकलकर शिफ्टिंग वॉल से बच जाते हैं। उन्हें वहाँ ऊपर जाते हुए एक सीढ़ी दिखती है। वे उसमें चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं और जब वे ऊपर की ओर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वे रॉयल पैलेस के लिविंग एरिया में पहुंच गए हैं। तभी वहां रॉयल गार्ड्स उन्हें देख लेती है, जिससे बचने के लिए लेडी प्रिंसेस को पकड़कर वहां से भागने लगता है। वह रॉयल पैलेस के टॉप में पहुंच जाता है और वहां से नीचे देखने लगता है। रॉयल आर्मी और किंग को ऐसा लगता है कि लेडी उन्हें धमका रहा है, लेकिन वास्तव में लेडी बहुत डरा हुआ है। तभी डियारिया वहां पहुंचता है और परिस्थिति को देखकर लेडी को वहां से बच निकालने का प्लान बनाता है। सबसे पहले वह रॉयल गार्ड्स को एक ट्रैप में फंसाता है और अपने कुछ साथियों को बुलाकर सिपाहियों के ऊपर पत्थरों से वार करने लगता है। दिन से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन रॉयल आर्मी थकने का नाम नहीं लेती। इधर लेटी और ग्रुप को भी यह समझ नहीं आता कि आगे क्या करे। तभी किंग लेटी के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे और बदले में वो उसे सही सलामत वहाँ से जाने देगा। किंग आगे कहता है कि मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, पर मेरी बेटी को वापस कर दो। इसे सुनकर प्रिंसेस भावुक हो जाती है और उसे महसूस होता है कि उसके फादर उसे कितना चाहते हैं। वह कपकेक के लिए अपने फादर को छोड़ने के फैसले पर शर्मिंदा होती है। लेटी उसे कहता है कि अब शायद उसके मन में उसके फादर के प्रति जो हेट था वो खत्म हो गया है, उसे अब अपने फादर के पास जाना चाहिए। पर क्योंकि लेटी को भी वहाँ से सही सलामत बच निकलना है, वह एक प्लान बनाता है और डियारिया से एक मदद मांगता है। लेटी अपनी पूंछ दिखाकर किंग को अपनी ओर आने का प्रलोभन देता है और जब किंग उसका पीछा करते हुए एक रूम के अंदर घुस जाता है तो उसी समय डियारिया अपनी मैजिक से उस डोर को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कितनी भी कोशिश करने पर भी सिपाही उसके अंदर नहीं
नहीं आ पाते। इधर रूम में किंग अपने डॉटर को देखता है और खुशी से फूले नहीं समाता। वह अपने कपकेक वाली गलती के लिए माफी मांगता है और इस तरह दोनों में सुलह हो जाती है। तभी किंग पीछे की ओर लेडी को देखता है। उसे देखते ही वह उस पर हमला करने को तैयार हो जाता है, लेकिन प्रिंसेस उन्हें रोकते हुए कहती है कि लेडी निर्दोष है। फिर वह उन्हें सारी बात बताती है। इसे सुनकर किंग शांत हो जाता है और पूरी सिचुएशन को समझ जाता है। इसके बाद लेडी वहाँ से बाहर निकलने की बात करता है, लेकिन क्योंकि गार्ड्स बाहर उसके खून के प्यास में खड़े हैं और उसे फ्लेम ड्रैगन लॉर्ड समझते हैं, उसका यूं बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसे देखते हुए किंग अपने ट्रेजर बॉक्स से उसे एक मैजिक डस्ट देता है, जिसे लगाने पर वह कुछ देर के लिए उड़ सकेगा। लेडी इसे अपने ऊपर लगाता है और इससे उसके उड़ने का सपना भी पूरा हो जाता है। इसके बाद लेडी उन्हें धन्यवाद करते हुए फिर मिलने के वादे के साथ डियारिया और पिप को लेकर वहाँ से चला जाता है एवं डियारिया के साथ घर ढूंढने के अपने सफर को जारी रखता है। और इसी के साथ यह एनिमे यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। साइन आउट।